Hello, everyone, welcome back to my channel, and I hope that you're all doing very well. So, today in this video, we'll be discussing a short story written by Perumal Murugan, that is The Well. So, before this short story goes on, let's quickly see the introduction to the writer who is Perumal Murugan. So, Perumal Murugan is an Indian writer, scholar, and literary chronicler who writes in Tamil. तो पैरोमल मुरुगन जो है ये हमारे इंडियन राइटर हैं स्कॉलर है एंड लिटरेरी क्रॉनिकलर यानी ये हमेशा से लिखते आ रहे हैं ठीक है, है? यानी इनसे पहले जो इनकी फैमिली में होंगे वो लिखते होंगे उसके बाद ये लिखते आ रहे हैं ठीक है ऐसे ही इनका चलता जा रहा है लाइन वाइज क्रॉनिकल वे में ठीक है हु राइट्स इन तमिल जो कि अपनी राइटिंग्स को तमिल लैंग्वेज में लिखते हैं एंड ही हैज़ रिटिन टिक्स कलेक्शन ऑफ़ शार्ट स्टोरीज़ सिक्स एंथॉलॉजीज़ ऑफ़ पोएट्री एंड मैनी ऑफ द नॉन फिक्शन बुक्स यानि इन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक बारह नावल्स लिखी हैं सिक्स कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ यानि ऐसे छः कलेक्शंस शॉर्ट स्टोरीज के एंड सिक्स एंथॉलॉजीज ऑफ़ पोएट्री एंथॉलॉजी का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क लाइक पोएस स्टोरीज एंड एक्सेट्रा एंड मैनी ऑफ द नॉन फिक्शन बुक्स ठीक है तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं एंड ही वॉज बॉर्न ऑन फिफ्टी ऑफ अक्टूबर इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स एंड नाउ ही इज फिफ्टी सेवन ईयर्स ओल्ड सो इट्स ऑल अबाउट दी ऑथर अब हम चलते हैं हमारी शॉर्ट स्टोरी द वेल्ड के थीम्स को देख लेती हैं तो इसका पहला थीम है देंस ऑफ एन एक्सपीरियंस और दूसरा है पावर प्ले सेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस इसका मतलब है कि एक एक्सपीरियंस यानी जो भी अनुभव होता है हमारा उस चीज को एक एसेंस में कर देना सार में कर देना ठीक है जैसे हम समरी देखते हैं ना बड़ी सी स्टोरी होती है और उसको हम छोटी सी समरी में देखते हैं तो इस तरीके से एक्सपीरियंस काफी सारे हैं और उसका हम छोटा सा एसेंस देखेंगे ठीक है फिर है पावर प्ले इसका मतलब है कि एक ऐसा सिचुएशन इन विच अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू गेट एन एडवांटेज बाय शोइंग दैट दे आर मोर पावरफुल देन अनदर ठीक है यानी कि इस तरीके का सिचुएशन जहाँ पे एक इंसान है जो कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है ठीक है अब यहाँ पे फैक्ट क्या है कि वो ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन रियलिटी ये नहीं है ठीक है तो इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे इस पूरी शॉर्ट स्टोरी में वो हम आगे जानेंगे इसमें हम मेनली देखेंगे द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड बिहेवियर कि इंसान की जो मनोस्थिति है उसकी मेंटालिटी कैसी है और उसकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग जो उसका बिहेवियर है वो किस तरीके का है ठीक है तो इसमें हम देखने वाले हैं ये जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है द वेल दिस रिवॉल्व अराउंड एन ओल्ड एंड अनयूज्ड वेल ठीक है वेल का मतलब होता है कुआं और ये जो कहानी है हमारे इसी एक पुराने कुएं और एक अनयूज कुआं जिसको कोई यूज़ नहीं करता है उसके बारे में घूम रही है ठीक है दैट बिकम्स अ मेटर फॉर नेग्लेक्टेड रिलेशनशिप्स एंड मेमोरीज ठीक है इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो कुआं है पुराना कुआं अनयूज कुआं जो है और इसको हम एक मेटाफर की तरीके से यूज कर रहे हैं एंड द प्रोटैगनिस्ट रिविजिट हिज चाइल्ड हुड विलेज एंड कम्स अक्रॉस द वेल ठीक है ये जो प्रोटैगनिस्ट है ये रिविजिट करते हैं यानी दोबारा से अपने उस चाइल्डहुड विलेज में जाता है जहाँ पे वो बचपन में रहता था और ये वहाँ पे उस कुएं के पास जाता है डैट हेल्ड चेरिस्ट मेमोरीज ऑफ हिज एंड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड हु हैज सिंस तो ये जो पुराना कुआँ है unused कुआँ है और जब यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट जाता है और उसकी बचपन की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं उसके जो बचपन के दोस्त से वो सब कुछ इसी कुएँ से जुड़े हुए हैं ठीक है मतलब हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि उसकी जो भी पुरानी यादें हैं अच्छी अच्छी यादें हैं उसके दोस्तों के साथ की किस तरीके से वो उस कुएँ के पास आके खेला करता था तो वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं उस ओल्ड और अन वेल well के पास जाके तो इतना सबको क्लियर है अब हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स तो सबसे पहला कैरेक्टर तो हमारा प्रोटेगनिस्ट है ठीक है उसके बाद क्योंकि जब ये अपने विलेज में जाता है तो इसको काफी सारे बच्चे मिलते हैं क्योंकि देखो ये अपने विलेज में गया है तो वहां पे इसके रिलेटिव्स हैं और उन्हीं रिलेटिव्स के बच्चे जो हैं उनमें से तीन बच्चे इसी के साथ रहते हैं और उन तीन बच्चों में से दो बॉय है और एक गर्ल है ठीक है और नाम किसी का भी नहीं और ये बच्चे जो है ये प्रोटैगनिस्ट को चिताप्पा बोलते हैं ठीक है थीके? चिताप्पा का मतलब होता है अंकल और चाचा ठीक है तो यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट जो है ये इन बच्चों के चाचा हुए ठीक है रिश्ते में तो हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी शॉर्ट स्टोरी में किसी का भी नाम मेंशन नहीं है ना ही इन तीन बच्चों का और ना ही हमारे प्रोटैगनिस्ट का का तो फाइनली अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं द शॉर्ट स्टोरी द वेल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एंथोलॉजी द गोट टीफ ठीक है ये जो हमारी स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी इसे कहाँ से लिया गया है द गोट तीफ से ठीक है एंथोलॉजी का मतलब हमने देख लिया की एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर पोएम्स होती हैं काफी सारी स्टोरीज होती हैं ठीक है थीके, तो ऐसे ही एक स्टोरी है द गोट तीफ और इसी का कुछ पार्ट हमने लिया हुआ है द वेल well, हमारी शॉर्ट स्टोरी में द शॉर्ट स्टोरी ओपन विद द प्रोटेगनिस्ट ट्राइंग टू फेंड ऑफ एज द चिल्ड्रन बैजर हिम टू कम टू द वेल विद हिम अब ये देखो हमारी स्टोरी जो है वो किस तरीके से ओपन होती है कि ये प्रोटैगनिस्ट जो है ये इन बच्चों को रोक रहे हैं किस लिए क्योंकि ये बच्चे जो है इसको परेशान कर रहे हैं किस लिए ये इन बच्चों को अपने साथ वेल पे लेके जाए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुराना वेल है पुराना कुआँ है तो वहां पर जाना एक तरीके से मना है क्योंकि वो लोग बच्चे हैं छोटे हैं तो वो ऐसे अकेले नहीं जा सकते तो ये बात बहुत अच्छे से इन बच्चों को पता है कि ये अकेले नहीं जा सकते तो इसलिए ये तीनों इसको फोर्स करते हैं कि ये उन बच्चों को लेके जाए वेल के पास ठीक है ही इज़ रिलकटेंट इनिशियली बट देन द इगरनेस एंड एक्साइटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन कैच ऑन टू हिम टू एंड ही इज़ रेडी टू बी परसवेडिड तो पहले तो ये मना करता है क्योंकि इसका मन नहीं होता जाने का लेकिन जिस तरीके से ये बच्चों का उमंग उत्साह देखता है कि बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वहाँ जाने के लिए वेल के पास जाने के लिए कुएं के पास जाने के लिए तो बाद में उनकी एक्साइटमेंट को देख के ये भी खुश हो जाता है और बाद में ये भी वहाँ जाने के लिए मान जाता है द चिल्ड्रन सी हिम एज एन ईजी बेट हुम दे कैन पेस्टर एंड यूज एज अ रेफरी फॉर देअर गेम्स अब ये बच्चे जो है ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोटेगनिस्ट एक ईजी बेट है यानी अगर हम किसी इंसान को ज्यादा फुसलाए तो वो उस चीज़ को करने के लिए मान जाते हैं तो ऐसे ही ये बच्चे एग्ज्यूम कर रहे हैं क्योंकि प्रोटैगनिस्ट का मन नहीं था शुरू में जाने का वेल के पास लेकिन इन बच्चों ने उसको फोर्स किया उसके बाद इन बच्चों की जो एक्साइटमेंट थी इस चीज़ को देख के उसने हाँ कर दिया तो इसलिए ये सारी बिहेवियर जो बच्चे नोटिस कर रहे हैं उसकी उसका नेचर तो इसलिए वो समझ रहे हैं ईजी बैठे और वो चाहते हैं कि जो प्रोटेगनिस्ट है ये इन बच्चों का इनके गेम्स में रेफरी बने इवन दो द डिजायर टू बी इन साइड अ वेल इज प्लीजिंग इनफ फॉर हिम ही इज अथ डिफरेंट और वेल के अंदर जाने की इसकी इच्छा जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न दायक है क्यों क्योंकि उसने इसी वेल के अंदर अपनी जो बचपन की यादें हैं बचपन के जो कुछ दिन है यही पे स्पेंड किया है ठीक है तो ही इज अथ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर चिल्ड्रेन यानी ये तीन बच्चों से इसकी भावनाएं जो है जो अटैचमेंट है इस कुएं के साथ वो अलग है द चिल्ड्रन सेंस दिस एंड की अब देखो ये वहां पे चला तो गया कुएं के पास लेकिन ये इन बच्चों को देख रहा है खड़े हो ठीक है ये उनके साथ नहीं जा रहा पानी के अंदर कुएं के अंदर तो क्योंकि ये बच्चे जो हैं इसको भाप चुके हैं अच्छे से कि किस तरीके का इनका नेचर है तो ये बच्चे अब तंग कर रहे हैं क्योंकि ये बच्चे चाहते हैं कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो उनके साथ कुएं के अंदर आए ना कि बाहर खड़े रहे तो फिर प्रोटैगनिस्ट उनके साथ पानी के अंदर जाने से मान जाता है और ये बच्चे जो हैं द चिल्ड्रन एंथोजियाली अरेंज फॉर अ टावल फॉर हिम एंड ऑल ऑफ देम मेक देयर वे टू द वेल ठीक है world, तो फिर ये बच्चे जो हैं जैसे इन्हें मालूम पड़ता है कि प्रोटैगनिस्ट उनके साथ पानी के अंदर जाने के लिए वेल के अंदर जाने के लिए रेडी है ये बच्चे उसके लिए एक टावल अरेंज करते हैं और खुद के लिए भी उसके बाद ये लोग वेल के अंदर चले जाते हैं The well then symbolizes a place with which the protagonist establishes an affinity where he feels at ease at home. अब देखो ये जो वेल जो है ये एक सिंबॉलिक है किस चीज़ का एक ऐसी जगह का जहाँ से जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है वो जुड़ा हुआ है ठीक है उसे उस कुएँ से बहुत ज़्यादा लगाव है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा फील एट होम फील करते हैं यानी घर की तरह यानी बिल्कुल कंफर्टेबल है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस वेल well के पास जाने से हिज इंगेजमेंट विद द वेल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे इन व्हिच चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द वेल अब देखो ये जो वेल well है इसके साथ इन बच्चों का एक्सपीरियंस और प्रोटैगनिस्ट का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है क्यों फॉर देम द प्लेजर लाइज इन एंडलेस डाइविंग स्प्लैशिंग एंड स्लॉश क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनके लिए क्या है एंजॉयमेंट कि ये लोग पानी के अंदर जाए स्प्लाशिंग करें उसके अंदर खेलें उछल कूद करें स्विमिंग करें ठीक है इस तरीके से लेकिन वेयर एज फॉर द प्रोटैक्स द वेल वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ही एमब्रेज जेंटल सूदिंग वाटर ऑफ द वेल एज अ फ्लावर सॉफ्ट बेबी कि ये जो बच्चे हैं ये किस तरीके से पानी के अंदर जाके एंजॉय कर रहे हैं उसके अंदर कूद रहे हैं गोते लगा रहे हैं स्प्लैशिंग कर रहे हैं यानी शोर मचा रहे हैं मतलब हर चीज कर रहे हैं खेल कूद पानी के अंदर जाके और वही दूसरी तरफ जो हमारे प्रोटेगनिस्ट है उनका एक्सपीरियंस अलग है वो क्या चाहते हैं पानी को बिल्कुल शांत देखना ठीक है सूदिंग वाटर बिल्कुल शांत उसमें कोई हलचल नहीं बस इस तरीके से ये इस वेल के पानी को इस वेल को एंजॉय करते हैं इसलिए इनका एक्सपीरियंस उन बच्चों से अलग है एंड वाइल ही वॉज असेंडिंग द स्टेप इन साइड द वेल दैट द गर्ल आस्क हिम चितापा हाउ मेनी राउंड कैन यू गो विदाउट स्टॉपिंग अब जैसे ही ये पानी की तरफ जाता है कुएं के अंदर जैसे ही जाता है तभी जो बच्ची है जो लड़की है वो बोलते हैं चिटापा यानी चाचा या फिर अंकल कुछ भी वो पूछती है कि आप कितनी बार पानी में गोते लगा सकते हो विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके ठीक है इवन बिफोर ही कैन गिव एन आंसर टू द गर्ल द बॉय रिस्पॉन्ड इन अ प्रोवोकेटिव मैनर सेंग दैट चिटापा कांट इवन कंप्लीट टू तो ये कुछ लड़की को रिस्पांस दे उससे पहले इस लड़के ने क्या बोल दिया प्रोवोकेटिव मैनर में कि किचिटापा तो दो बार भी नहीं कर सकते इसको टेकिंग अप द चैलेंज द प्रोटैगनिस्ट डज ट्राई टू प्रूव द बॉय रॉन्ग बट सडनली हिज स्ट्रेंथ फेल्स हिम एंड ही स्टार्ट्स फैल्टरिंग ही फील्स वेरी वीक एंड हिज ब्रीदिंग बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रेन्ड एंड नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज द वेल बिकम्स अकीन टू एन इनविंसिबल फो जिस तरीके से उस लड़के ने बोला कि चिटापा तो दो बार भी नहीं कर सकते विदाउट स्टॉपिंग तो यहाँ पे इन्होंने उसकी बात को चैलेंज की तरह लिया और यहाँ पे इस बच्चे को ये रॉन्ग प्रूफ करने के चक्कर में ये डाइव करने लगे ठीक है स्ट्रेंथ फुली लेकिन एंड में क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा थक गए बहुत ही वीक फील करने लगे और ये सांस भी नहीं ले पा रहे थे और सब कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था इनके लिए पानी के अंदर तैरना बहुत मुश्किल हो गया था हालांकि बहुत कोशिश कर रहे थे और इनको क्या महसूस हो रहा था कि अभी ये जो पानी के अंदर इतने गोते लगा रहे हैं ये जो पैर चला रहे हैं स्विमिंग कर रहे हैं ये एक तरीके से इनके लिए इनवेंसिबल फो है यानी एक ऐसा दुश्मन जो नहीं हार सकता ठीक है तो अब यहाँ पे दो चीज है एक तो कू कुआ है और कुएं को ये क्या समझ रहे हैं कैसा दुश्मन जिनको ये नहीं हरा सकते और दूसरे हमारे प्रोटैगनिस्ट ठीक है एज द प्रोटैगनिस्ट यूज टू डाइव इन टू द वेल एंड हाउ द वेल बिकम्स फॉर हेम अ यूनिवर्स दैट नो वन गुड कॉन्कर तो देखो जैसे प्रोटैगनिस्ट पहले कुएं के अंदर डाइव किया करते थे तो उन्हें एक ऐसा यूनिवर्स फील होता था जहां पे कोई भी जीत सकता है ठीक है लेकिन अभी जब ये जाते हैं पानी के अंदर और यहाँ पे इनको क्या फील हो रहा है कि एक इनवेंसिबल फो है जो इनके साथ फाइट कर रहा है इनके साथ लड़ाई कर रहा है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस दुश्मन को हराना एंड देन ही एप्रीहेंड द वेल एज अ वर्ल्ड फुल ऑफ मिस्ट्रीज अनस्पोकन टेल्स होर्डर्स ऑफ मिरेकल्स लेकिन अब यहाँ पे बड़े होने के बाद जब ये दोबारा से वेल के पास आया तो इसे क्या महसूस हुआ कि ये जो वेल है ये क्या है वर्ल्ड फुल ऑफ मिस्ट्रीज यानी एक ऐसी दुनिया है जो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है अनस्पोकन टेल्स ऐसी काफ़ी सारी कहानी है जो अभी तक बताई नहीं गई है सीक्रेट है होल्डर्स ऑफ मेरिकल्स यानी चमत्कारों का एक भंडार है ही which he has traveled and एंड इज नाउ with विद डिज़ायर टू मूव आउट ऑफ द प्रिंट्स ऑफ द वेल तो प्रोटैगनिस्ट जो है ये वेल की गहराई तक जाता है उसके बाद इसकी क्या इच्छा है कि ये उसके आस पास भी ना रहे ठीक है वेल के आसपास भी ना रहे एंड ही रियलाइजेस दैट द वेल इज सो डीप एंड हैज सो मैनी सीक्रेट्स दैट इट्स मिस्ट्रीज आर अनफैदेमेबल एंड ही कैन नॉट डेयर टू अनरैवल देम ऑल दैट ही इज बट अ स्पेक्टेटर और यहाँ पे इसे एक और चीज़ रियलाइज होती है कि ये जो वेल है ये बहुत ज़्यादा डीप है इसके अंदर काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं ऐसे मिस्ट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा अथाह है यानी अनफैदेमेबल है बहुत ज़्यादा है ठीक है विशाल काय है लेकिन ये किसी भी एक ऐसे सीक्रेट को भी अंड्रेवल नहीं कर सकता किसी को भी नहीं समझ सकता ठीक है तो इसलिए अब ये क्या कर सकते हैं सिर्फ देख सकता है सो ही स्टैंड एंड वॉचिज एज द चिल्ड्रेन जम्प रेलिशिंग द वे इन द केयर फ्री मैनर In which the girl jumps into the well. द टेसल्स ऑफ द रेड रिबन एडोर्निंग हर हेयर मेकिंग हर अपीयर नो लेस देन एन एंजल तो ये कुएं से बाहर आके खड़ा हो जाता है और उन बच्चों को देखता है कि कितने अच्छे से ये लोग खेल रहे हैं केयर फ्री मैनर में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं आराम से पानी के अंदर जंप कर रहे हैं और इस यहाँ पे ये इस बच्ची को नोटिस करता है इस लड़की को नोटिस करता है जब वो पानी के अंदर जा रही होती है तो उसके बालों पर एक रेड कलर का रिबन है जो की उसको बहुत सुंदर बनाता है ठीक है यानी ये जो रिबन है इसके ऊपर अच्छी तरीके से सूट कर रहा है और वो बिल्कुल भी एक एंजल से कम नहीं लग रही है द वेल इज़ फुल ऑफ थ्रेटनिंग पॉसिबिलिटीज वेनिमस स्नेक्स कुड बाइट दैम दे कुड प्लमेट इन टू द डेप्थ ऑफ द वेल मोर ओवर इट इज सिचुएटेड एट अ लेस फ्रिक्वेंटेड प्लेस एंड हैज दस ऑफ बींग हॉन्टेड प्लेस अब ये जो वेल है ये किस तरीके का है थ्रेटनिंग पॉसिबिलिटीज ऐसा क्यों कहा गया है क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को नुकसान कर सकती है बड़े इंसानों को नुकसान कर सकती है वेनिमस स्नेक्स यानी जहरीले सांप है जो कि उन्हें काट सकते हैं ठीक है थेके? और फिर वो पानी के अंदर डूब भी सकते हैं क्योंकि ये जो वेल है ये बहुत ज़्यादा गहरा है और इस कुएँ के बारे में ऐसी काफ़ी सारी सजेस्टिवनेस है कि कुआँ जो है ये एक हॉन्टेड प्लेस है ठीक है क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसके आस पास स्नेक्स है इसके अंदर और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं तो इसीलिए ये एक हॉन्टेड प्लेस है और यहाँ पे आना किसी को भी अलाउड नहीं है क्योंकि जब ये प्रोटैगनिस्ट छोटा था उस वक्त तो सब कुछ सेफ था ठीक है ये खुद भी खेलने आता था लेकिन अभी बहुत टाइम बाद ये अनयूज वेल well है ओल्ड वेल well है तो इसके अंदर सांप तो होंगे ये ऑब्वियसली बात है एंड नाउ द गर्ल बिगिनस बाय प्लीडिंग इन अ कैजिंग वॉइस एंड वॉइस ही प्लीड्स द प्रोटैक्नेस्ट रिजोल्यूटली स्टार्ट क्लाइम्बिंग आउट ऑफ द वेल वन टू हिज सरप्राइज द गर्ल क्लिंग्स टू हिज लेग टू स्टॉप हिम फ्रॉम स्टेपिंग आउट अब ये जो प्रोटैगनिस्ट है ये पानी के अंदर दोबारा चला जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी हैं तो ये अकेला नहीं छोड़ सकता उनको ठीक है तो अब ये जो गर्ल है ये थोड़ी ज्यादा क्लोज है प्रोटैगनिस्ट से तो अब ये बाहर आने की कोशिश तो कर रहे हैं ठीक है पानी के अंदर से लेकिन ये बच्ची जो है ये उसको प्यार से बोलती है रुक जाने के लिए पर फिर भी वो आने की कोशिश कर रहे हैं तो अब इस बच्ची ने क्या किया लास्ट में उसके पैरों से चिपक गई और उसको रोकती है कि वो बाहर ना आए वेल्थ Say. And what ensues is a struggle between the children and the protagonist as they make a game out of the protagonist's attempts to come out of the well. अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट का पीछा नहीं छोड़ रही है वो क्या है स्ट्रगल बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द प्रोटैगनिस्ट क्योंकि ये जो प्रोटैगनिस्ट है ये पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जब तक ये पानी के अंदर है वेल के अंदर है इसके मन में क्या है कि इसके अंदर एक ऐसा दुश्मन है जो कि उसे हराने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट है जो जीतने की कोशिश कर रहे हैं अब इनके लिए जीतना क्या होगा कि वो वेल से बाहर आ जाए ठीक है क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं पानी के अंदर तो इनकी पूरी कोशिश है कि ये पानी से बाहर आ जाए लेकिन ये बच्चे जो हैं ये कॉन्टिन्यूअसली इसको फोर्स करे जा रहे हैं कि ये पानी के अंदर ही रहे उन बच्चों के साथ एंड देन ही स्टार्ट बींग प्लेग्ड विद दॉट्स ऑफ द वर्ल्ड बींग अकर्ज एंड ही बींगी थ्री चिल्ड्रेन बींग डिस्काइस अब जो प्रोटैगनिस्ट है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है क्योंकि ये बच्चे जो है इसको तंग किए जा रहे हैं और यहाँ पे इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये कुआं जो है ये वेल जो है ये कर्ज है यानी ये श्रापित कुआं है इससे जितने सारे सांप है और क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं फील कर रहा है रेस्टलेस फील कर रहा है पानी के अंदर और यहाँ पे अब ये तीनों बच्चे जो हैं इसको कोशिश कर रहे हैं रोकने की क्योंकि देखो इनका मन है कि ये पानी से बाहर आ जाए ठीक है कुएं से बाहर आ जाए तो ये जीत जाएंगे लेकिन यहाँ पे ये तीनों बच्चे इसको रोक रहे हैं तो अब ये इन तीनों बच्चों को किस तरीके से देख रहे हैं कि यही तीनों बच्चे डीमन्स हैं जो कि इसको हराने की कोशिश कर रहे हैं फॉर हिम द वेल बिकम्स परसोनीफाइड इन टू डेवल इन कार्नेट विद द चिल्ड्रन एक्टिंग एज डीम्स हु आर अटैकिंग हिम एट द बिहेस्ट ऑफ द वेल देखो यहाँ पे वेल को परसोनीफाई किया गया है ठीक है परसोनीफाई का मतलब होता है कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग जिसको कि हम लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करते हैं अब यहाँ पे कैसे इसको परसोनीफाई किया गया है कि वेल को हम यहाँ पे डेविल बता रहे हैं ठीक है थीके? तो इसलिए अब देखो ये जो प्रोटैगनिस्ट है और यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में लड़ाई चल रही है देखा जाए तो प्रोटैगनिस्ट और वेल ठीक है प्रोटैगनिस्ट जो है ये वेल से बाहर आना चाहता है लेकिन वेल और इसके अंदर का पानी क्योंकि ये डूबे जा रहा है तो ये बाहर नहीं आ पा रहा है एक तरीके से ये कोशिश करता है तैर के बाहर निकलने की लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि ये बच्चे भी जो हैं ये इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये इसको पानी से बाहर नहीं आने दे रहे तो अब इसको लगता है कि ये तीनों बच्चे जो हैं इन तीनों ने डीमन का रूप ले लिया है और ये तीनों बच्चे वेल की साइड से इससे लड़ाई कर रहे हैं इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं इसको हराने की कोशिश कर रहे हैं एट द बिहेस्ट ऑफ द वेल एंड द स्टोरी एंडस ऑन द नोट वेयर हिज फीयर इज माउंटिंग एंड ही फॉल्स बैक डिफीटेड विद हिज बिलीव दैट द वेल टू इज पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्परेसी टू कीप हिम इनसाइड द वेल तो हमारी स्टोरी इसी के साथ खत्म होती है कि लास्ट में इसका जो विश्वास है ये बिल्कुल गलत हो चुका है ठीक है और इसका जो डर है इस कुएँ को लेके ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसको क्या लग रहा है कि ये जो कुआँ है इसके अंदर बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचा जा रहा है बहुत ज्यादा चालें चली जा रही हैं ताकि इसको ताकि प्रोटैगनिस्ट को वेल के अंदर रखा जा सके और उसे उसी के अंदर रख के हराया जा सके क्योंकि वो तैर के कोशिश कर रहा है बाहर आने की पर नहीं आ पा रहा और वेल के साथ साथ ये जो तीन बच्चे हैं ये भी इसे कुएं से बाहर आने नहीं दे रहे तो हम एक बार फिर से थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं पहला थीम है हमारा द असेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस यानी अनुभवों का एक सार छोटा सा ठीक है अब कैसा अनुभव क्योंकि जब प्रोटैगनिस्ट जो है वो छोटा था तब उसे बहुत अच्छा फील होता था कुएं के अंदर जाके ठीक है उसे ऐसा लगता था कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कोई भी जीत सकता है लेकिन जब वो बड़ा हुआ और वापस उस कुएं में आया तो उसके विचार उस कुएं के प्रति बिल्कुल बदल गए ठीक है वो क्या सोचते है कि ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रहस्यमयी चीजें हैं और उन सारी चीज़ों में से ये किसी एक चीज़ का सीक्रेट भी अंड्रावल नहीं कर सकता एक चीज़ को भी नहीं समझ सकता क्यों क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी है और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है तो हम देखेंगे कि इसके जो एक्सपीरियंस है दो एक्सपीरियंस एक बचपन के और एक बड़े होने के बाद जब वो एडल्ट था तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा फर्क है ठीक है और दूसरा हमारा थीम है पावर प्ले कि जिस तरीके से उस बच्चे ने बोला कि चितापा जो है ये दो बार भी विदाउट स्टॉपिंग डाइव नहीं कर सकते लेकिन इस चीज़ को उसने चैलेंज की तरह लिया ठीक है यानी कि वो स्ट्रांग नहीं था बार बार बिना रुके डाइव करने के ठीक है ही वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ लेकिन फिर भी उसने अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए और सामने वाले को गलत प्रूफ करने के लिए ही वो ट्राइंग टू डू इट बट इन दी एंड ही फेल्ड टू डू सो है ना कि उसने सब कुछ करना चाहा लेकिन वो नहीं कर पाया लास्ट में वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था बहुत ज्यादा थक गया था वो सांस नहीं ले पा रहा था तो इसी इंसिडेंट के थ्रू हमने यहाँ पे हमारे दूसरे थीम को देखा जो कि है पावर प्ले ठीक है तो इसी के साथ हमारी ये पूरी शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी शॉर्ट स्टोरी अच्छे से समझ में आई हो एंड इफ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम इट एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग